हेलो एंड वेलकम जोहार नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सब लोग का हजारों बागों के नबी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तू हंस तू मुस्कुरा तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम कर दे। आज जो मॉडल सेट क्लास 10 की जैक बोर्ड जारी की है उसका SST का भारत का मैप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में एकदम छपे हुए आएंगे, आपको प्रैक्टिस कर लेना है घर में कि एकदम छपा हुआ जब आना है तो हमें तैयारी कर लेना है। तो क्वेश्चन है कि मानचित्र में प्रदर्शित बिंदु के सामने दिए गए नामों को उचित स्थान पर लिखें। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान है, इसमें से इन सारे को हमको दर्शाना है। तो दर्शाने के दो तरीके हैं। जैसे पहला तरीका क्या कीजिए, यहाँ पे अगर आपको बुक पेज में स्पेस है तो नंबर 1 लिख दीजिए और नंबर 1 ये है। अब इस नंबर 1 को ढूंढिए कौन होगा। तो यहाँ पे जो है जब आप देखिएगा पूरा राज्यों को दर्शाया रहेगा तो उसमें देखिएगा तो यहाँ पंजाब और हरियाणा के आसपास ये वाला दिखाएगा और ये जो है वह दिखाएगा भाखड़ा नांगल बांध। तो पहला नंबर क्या है, भाखड़ा नांगल बांध, इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा नंबर क्या है, तो ये है झारखंड का एरिया। झारखंड में क्या होना है, जमशेदपुर, इसको बोलते हैं लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर। क्या लिखिए दूसरा नंबर, लोहा इस्पात उद्योग कहां, जमशेदपुर। अब चलिए तीसरा नंबर, तो ये है लो एश खदान बेलाडीला। तीसरा नंबर जो है ये छत्तीसगढ़ के आसपास में है, ये यहाँ पे लोहा या लोह एश निकाला जाता है, लोह अयश्क या लोहा एश्क जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको लिख दीजिएगा, लोह एश खदान कहाँ, बेलाडीला। ये हो गया। अब चौथा नंबर, ये आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है, तो वहां क्या है, बंदरगाह विशाखापट्टनम। चौथा नंबर है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। उसके बाद 1, 2, 3, 4 हो गया। पांचवा नंबर, अब बच कौन गया भाई, तो बच गया है सूती वस्त्र उद्योग सूरत। यहाँ ये गुजरात का एरिया है, यहाँ से ये तटीय इलाका जहां से निकलती है एक नदी सूती वस्त्र उद्योग। ताप्ती नदी का मुहाने पर है ये सूरत शहर सूरत। ऐसे भी दर्शा सकते हैं या तो फिर आप फटाफट यहां लिख दीजिए, एरो दीजिए, ऐसे लिख दीजिए क्या, भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर, तीसरा कौन था, लोहा अयस्क खदान है बेलाडीला वाली। ये बंदरगाह, एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो लास्ट बच गया था सूरत वाली, सूती वस्त्र उद्योग सूरत। इस प्रकार के भी आप इसको दर्शा सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ है, ये सारे जो जगह है वो कहाँ है, ये अगर आपको ध्यान में है तभी। तो अगर ध्यान में रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये अच्छा लगेगा मेरा जो प्रयास, तो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।